दोस्तों, आज मैं जो घरेलू नुस्खा ले के आया हूँ, जो बेहद ही कारगर और घरेलू नुस्खा है और बेहद ही आसान, तो आज मैं शुगर कैसे कंट्रोल किया जाए और कुछ ही दिनों में, बोले तो 7 दिन में ही, ऐसे तो आप अगर ये जैसे मैंने उपाय बता दिया है अगर उसको आप करेंगे तो आपको 3 दिन में ही कंट्रोल हो जाएगा शुगर। आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ये 3 दिन में आपका शुगर कंट्रोल कर देगा। मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चलेंगे तो आपका शुगर जो लेवल है ना, वो 3 दिन में कंट्रोल करके आपको 120 पे ला के छोड़ देगा। हाँ, ये आपको ध्यान देना है कि आपकी जो उम्र है ना वो कितनी है। 40 से ऊपर है तो कम से कम 120 शुगर का लेवल होना चाहिए या 112 होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, ये हरे हरे आप जो देख रहे हैं दूब के घास, तो दूब के घास आपको ऐसे लंगे पैर 15 मिनट तक चलना है। चलने के उपरांत ऐसा हो कि दूब में जो हल्के हल्के जो शीतल पैरों को शीतलता मिलना चाहिए, तब आपको ये ज़्यादा फायदा करेगा और 3 दिन में ही शुगर को कंट्रोल करके आपको 120 पे ले आएगा। दवा आप फेंक देंगे, दवा कोई ज़्यादा आपको रिलीफ नहीं पहुंचाएगा, बस आपको भ्रम में डाला हुआ द्रव दवा। तो दवा खाने से बचे और इस उपाय को करें। हमारे बड़े बुजुर्ग या ऋषि मुनि भी इन्हीं सब चीज़ करके, वो ना उनको शुगर होता है ना ही कभी कुछ होता है। तो ये तो हो गया पहला नुस्खा। दूसरा नुस्खा आपको क्या करना है, जब भी आप पैरों में कांटेदार चप्पल का इस्तेमाल करें, इस तरह का कांटा लगा हुआ होना चाहिए, इस तरह का कांटा लगा हुआ पैरों में चप्पल का इस्तेमाल करें। जूते का इस्तेमाल कम से कम किया करें तो ज़्यादा अच्छा हो। ये सुबह आप कर लें, सुबह जब भी उठे सुबह ध्यान रखें कि धूप नहीं निकलना चाहिए। उस समय आप ये करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। धूप निकलने से क्या होता है ना, इसकी जो शीत होती है जो रात में गिरती है वो सूख जाती है। तो आप इसको ज़रूर करेंगे और रात में सोने से पहले 7 बजे के बाद भी आपको 15 मिनट ऐसे लंगे पैर चलना है, कम से कम 15 मिनट, और तेज़ कदमों से चलना है, डेग को लंबे लंबे करके। और दूसरा चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, आप इसको बोलते हैं हम लोग जामुन के पत्ते, जामुन के वृक्ष है ये। ये जड़ से लेके पूरा पेड़ जो है ना, बिल्कुल कारगर है ये। जामुन के दिन भी है आजकल, तो आपको क्या करना है, ये जामुन के पत्ते 5 पत्ते आपको ले लेना है। 5 पत्ते आपको सुबह में ले लेना है या किसी भी समय ले लें, या नाश्ता के बाद ले लें। जब भी ले तो आपको डिस्टेंस रखना है 15-20 मिनट या आधा घंटा, तब ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। सुबह नाश्ते में जो भी आपको लेना है वो आप खाएं, और इसके बाद 5 पत्ते कोमल कोमल ले लें और उसको 15 मिनट तक मुंह में चूसते रहें चॉकलेट की तरह। इसके बाद मैं एक और घरेलू नुस्खा बता दे रहा हूँ जिससे आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए। ये जामुन का वृक्ष है जो आप अच्छी तरह से देख लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप अगर ये उपाय कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इसमें कि आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठंडा पानी या बोतल बंद पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा कोशिश करें आप नॉर्मल पानी यूज करें। मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। नॉर्मल पानी जो होता है ना, मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, शुगर आपका कंट्रोल हो जाएगा। आप कुछ ही दिन में सारे दवा फेंक देंगे, आप डॉक्टर से जाके चेक करा सकते हैं। मैंने इसका देखा, इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा लाभ है ये। दूसरा चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ शुगर के लिए,
वो काफ़ी मददगार है और ये इंसुलिन बनाने में काफ़ी मदद करता है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। शुगर में क्या, शुगर बढ़ जाने के कारण क्या होता है ना कि शारीरिक श्रम, शारीरिक जो परिश्रम है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब कि आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना वो गर्म नहीं है। ब्लड का अगर सर्कुलेशन रहेगा गर्म तो बहुत ही अच्छा है, तो आप शारीरिक श्रम भी करना चालू कर दें, जो काम हो ऐसा नहीं कुछ भी, थोड़ा सा ही शारीरिक श्रम करें। और ध्यान रखें खाने में आप मशरूम की सब्ज़ी ज़रूर इस्तेमाल करें। मशरूम थोड़ा गर्म होता है और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को गर्म करेगा और ये शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करेगा। तीसरा और लास्ट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, शुगर जब भी आपको हो जाएगा तो शुगर में क्या होता है ना, शुगर में कोई भी आपका जो घाव हो जाएगा वो हीलिंग नहीं होगा, इसी से आप शुगर को पकड़ सकते हैं। और ये सबसे लास्ट और कारगर नुस्खा है जो बेहद ही फायदेमंद है। ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग मीठा नीम भी बोलते हैं। इसको हम लोग सब्ज़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये बाज़ार में आपको सब्ज़ी की दुकान में आसानी से मिल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कढ़ी के पत्ते। तो एक डोंगे आपको कढ़ी के पत्ते ऐसे तोड़ लेना है, तोड़ के आपको ये इतना बड़ा डोंगे का पत्ता आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको इसको 15 मिनट तक मुंह में चॉकलेट की तरह चूसना है और बचा हुआ जो लास्ट में है उसको घोट जाना है। घोटने के बाद कम से कम एक घंटा आपको पानी तक नहीं पीना है, इस बात का सदा ध्यान रखें, तभी इसका फ़ायदा होगा। ये खा लेंगे इसके बाद कुछ और खा लेंगे तो इसका फ़ायदा नतीजा गलत हो जाएगा। ये जो जितना फ़ायदा चाहिए उतना फ़ायदा ये नहीं करेगा। शुगर जब भी आपको हो तो हरे सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा स्ट्रीम करके ना लें। वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन माताओं बहनों और या बुज़ुर्गों को बताएं जो इससे ग्रसित है और दवा खाते खाते एक दिन दवा उनको खा जाती है, उनसे बचने के लिए ये बिल्कुल कारगर घरेलू नुस्खा है। ये आप घर में इस्तेमाल हमेशा करते हैं तो ये देख लेंगे, ये कढ़ी के पत्ते हैं, बिल्कुल ऐसे लेना है। इसको जब भी तोड़े आप तो इसको धोकर ही आपको ले लेना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।